हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल लिंक क्रिएटिव एक्टिविटी। आज के मिस वर्ड 2016 के ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं कि टेबल के कॉलम को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है, यानी कि उसे किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजा सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एमएस वर्ड में किस तरह से कैलकुलेशन का काम किया जाता है और फार्मूला का यूज किस तरह से करते हैं। मैं यहाँ पे पहले ही एक टेबल इंसर्ट कर चुकी हूँ और इसमें कुछ डाटा भी मैंने फिल कर लिया है। अब मैं इसमें आपको टेबल को सॉर्ट करना सिखा रही हूँ कि टेबल को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, मुझे इस टेबल को सॉर्ट करना है तो कहीं पे भी अपने कर्सर को रखें, ठीक है। इसके बाद आप लेआउट टैब पे क्लिक करें और यहाँ डाटा के सेक्शन में सॉर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये मेरा सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट में है सॉर्ट बाय नेम, यानी कि ये जो मेरा कॉलम है नेम का, यही कॉलम है यहाँ पे, वही शो कर रहा है। ये ड्रॉप डाउन का बटन है, ये सभी कॉलम का नाम शो हो रहा है। सेकंड है प्रोडक्ट कोड और थर्ड है टोटल, इसलिए वो पूछा जा रहा है उसमें कि आप नेम के हिसाब से करना चाहते हैं, यानी कि नेम वाले कॉलम को आप सॉर्ट कर रहे हैं, तो हाँ मुझे नेम के कॉलम को सॉर्ट करना है। यहाँ पे टाइप है, कौन सा टाइप है, टेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट आया है, अभी मैंने इसमें कुछ सेटिंग की नहीं है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के हिसाब से है क्योंकि उसमें मैंने टेक्स्ट ही डाला था। और ये प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट कोड में मेरा नंबर डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर है। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी होगा एक ही चीज होगा, यानी कि ऊपर में अगर आपने असेंडिंग सेट किया हुआ है तो सभी कॉलम आपका असेंडिंग में सेट होगा, और अगर आपने ऊपर में डिसेंडिंग सेट किया है तो सभी कॉलम में डिसेंडिंग सेट होगा। तो अभी मैं असेंडिंग कर रही हूँ और यहाँ पे ओके कर दे रही हूँ। ये ओके हो गया, असेंडिंग का मतलब जैसे था मेरा वैसा ही है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सेट कर दिया इसे, ठीक है। फर्स्ट वाले नेम वाले कॉलम को मैंने सेट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया, यानी कि ई डी सी बी ए। इस तरह से आप डेट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है। यूजिंग है, यूजिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए यूज हो रहा है तो यूजिंग पैराग्राफ। ये सॉर्ट करने का तरीका हुआ, यानी कि आप अपने डाटा को किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ फॉर्मूला का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो अभी मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, यानी कि ये जो मेरा डाटा है टोटल का, ये सभी का मुझे सम करना है। तो ये सम कैसे होगा, पहले तो मैं चलिए ठीक है, इसका सम कैसे होगा ये मैं सेट कर दे रही हूँ। ये फॉर्मूला का ऑप्शन है, अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप सम किस तरह से कर सकते हैं। सम करने का तरीका है, जहाँ पे भी आपको सम करना है वहाँ पे आप अपने कर्सर को रखें और लेआउट टैब पे क्लिक कर दें और लेआउट टैब के डाटा सेक्शन में जाएं। ये देखें कि सॉर्ट का भी काम यहीं पे हुआ था और फार्मूला का काम भी यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे मैंने फार्मूला पे क्लिक कर दिया, फार्मूला पे क्लिक करने से यहाँ पे एक ये फार्मूला का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये देखें कि आपको सम निकालना है, एवरेज निकालना है या सिर्फ काउंट करना है, ठीक है। ये हो गया फार्मूला जो कि ऑटोमेटिक बना है। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है कि किस नंबर फॉर्मेट में आप चाहते हैं, यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि हम लोग परसेंट में चाहते हैं या फिर 0.0, होता है ना कि किसी भी चीज़ का पॉइंट में वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल 5.30, इस टाइप से बहुत तरह का एग्जांपल होता है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट को। ये नंबर फॉर्मेट सेट हो गया। अभी है पेस्ट फंक्शन, किस तरह का फंक्शन आपको चाहिए। यहाँ पे सभी फंक्शन, यानी कि एवरेज है, काउंट है, इफ एल्स का ऑप्शन है, मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
राउंड कर सकते हैं आप, सम कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ से अपने फंक्शन को यानी कि फॉर्मूला को इंसर्ट करके अपना जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी मैं सम करके दिखा रही हूँ आपको, ये मैं यहाँ पे ओके करती हूँ, ये देखें 70 इसका निकला। ये मैं फिर से जोड़ के भी आपको दिखा दे रही हूँ, 10, 20, 20, 50, 60 और ये 70, देख सकते हैं ये एक्यूरेट है। अभी फिर से इसको मैं डिलीट करके आपको यहाँ से फॉर्मूला इंसर्ट करके दिखा रही हूँ, यानी कि लेआउट टैब में मैंने फॉर्मूला के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे जो सम अभी मैंने निकाला था, अभी मैं यहाँ पे काउंट निकालती हूँ। ये देखें ये हो गया काउंट, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो मुझे एबव का निकालना है तो यहाँ पे मैं एबव कर दूंगी, ये एबव हो गया, एबव कैपिटल में लिखा मैंने, ये ध्यान दें। अभी आप इसे ओके कर दें, ये देखें ये काउंट करके 5 है इसलिए यहाँ पे 5 आया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे एवरेज वगैरह भी निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम सब भी काउंट करके निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक जरूर करें, लाइक और कमेंट से मुझे ये समझ में आता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया भी है कि नहीं आया है, आपके लिए मेरा वीडियो यूजफुल रहा कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, इसलिए प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा इस तरह के वीडियोस देखें और घर बैठे आसानी से फ्री में DCA फुल कंप्यूटर कोर्स को हिंदी में सीख सकें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मैं जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड करूं वो सभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू रिसेंटली मिल जाए, आप वहां से देख सकते हैं और DCA कोर्स को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।